प्रतिवर्ष 29 सितंबर को जागतिक हृदय दिवस मनाया जाता है। कोरोना की पार्श्वभूमि पर इस दिवस का महत्व और भी बढ़ जाता है। ऐसे व्यक्ति या मरीज जो हृदय रोग से ग्रसित है, इन्हें आज की इस महामारी के दौर में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना अनिवार्य हो जाता है। पूरे विश्व में अगर हम देखें तो हृदय रोग से मरने वालों की संख्या अन्य रोगों की तुलना में सबसे ज्यादा है। ऐसे में हृदय दिवस पर अपने हृदय का ख्याल रखना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इस संदर्भ में और इस हृदय दिवस की विशेषता पर हमने चर्चा की किंग्सवे हॉस्पिटल से हृदय रोग विभाग के प्रमुख डॉक्टर शैलेंद्र गांजेवार इनसे। डॉक्टर गांजेवार इनके आज के दिन का महत्व विशद करते हुए अपने हृदय को स्वस्थ रखने के उपाय भी बताए हैं कि दुनिया में नंबर वन कॉज ऑफ डेथ अभी भी हार्ट अटैक ही है। इसका कारण है कि ये जो बीमारी है हार्ट अटैक की, ये कोई पूर्व सूचना नहीं देती है, मरीज को कोई लक्षण नहीं होते और सडनली वो आ जाता है। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं कि हार्ट अटैक से अगर बचना है तो हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। नियमित व्यायाम करना, खान पान में परहेज रखना, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहना, ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। और एक विशिष्ट उम्र के बाद, जैसे 40 की उम्र के बाद, रेगुलरली हार्ट का चेकअप करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें ECG, ट्रेडमिल टेस्ट, एकोकार्डियोग्राफी, ये जो चीज़ें हम लोग हेल्थ चेकअप में करते हैं वो साल में एक बार करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं ये सलाह दूंगा कि नियमित चेकअप करें, स्मोकिंग अल्कोहल से दूर रहे, ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वाली चीज़ों से दूर रहे और एक अच्छी जीवन शैली का आप अपने जीवन में प्रयोग करें, ताकि उसको अगर आचरण करें, हमारे आचरण करें, ताकि हम लोग इससे दूर बचे रहें।